ठीक है आप बोले क्या सवाल आते हैं। हजरत एक सवाल ये आया है कि जकात कितने माल पर देनी वाजिब है, और अगर माल कब्जे में ना हो बल्कि तिजारत में लगाए हो तो क्या उस माल पर भी जकात देनी है? बहुत अच्छा। पहली बात यह है कि इस्लाम ने मुसलमान की माली एतबार से दो किस्में की हैं। एक वो मुसलमान जिनको जकात अदा करना लाजिम है, और एक वो मुसलमान जिसको जकात अदा करना लाजिम नहीं है। जिस मुसलमान को जकात अदा करना लाजिम है उसको हमारी किताबों में कहते हैं साहिब निसाब, वो शख्स कि जो उतने माल का मालिक है जितने माल पर जकात लाजिम हुआ करती है। ये निसाब इस्लाम ने मुकर्रर किया है जानवरों का अलग, जमीनों का अलग, सोने चांदी का अलग, और तिजारत का भी वही है जो सोने चांदी का है। आमतौर पर इस तरह के सवाल के जवाब में जो बात कही जाती है वो ये है कि जिस आदमी के पास 612 ग्राम चांदी या इतनी चांदी की कीमत के बराबर पैसा मौजूद हो, ये आदमी साहिब निसाब है। जिस शख्स के पास 612 ग्राम चांदी या इतनी चांदी की कीमत के बराबर पैसा मौजूद हो तो ये आदमी मालदार मुसलमान है, ये साहिब निसाब है, इसको अपने इस माल की ज़कात अदा करनी होगी। अब अगर किसी के पास चांदी तो नहीं है, कैश रकम है, तो ये उतनी रकम होनी चाहिए जो 612 ग्राम चांदी खरीद सके, या अगर किसी के पास बिजनेस का माल हो तो ये दुकान में इतना माल होना चाहिए जिससे इतनी रकम की चांदी खरीद सके, तो ये शख्स साहिब निसाब माना जाएगा और उसको ज़कात अदा करनी होगी। जिस महीने में इंसान के पास पहली मरतबा इतनी रकम कैश की सूरत में या चीज़ों की सूरत में आ गई तो उस महीने में यह आदमी निसाब वाला बन जाता है, और उसके बाद फिर पूरे साल उसको देखते रहना है कि माली हालत क्या रही, और जब अगले साल वही महीना वही तारीख आएगी तो उस दिन ये देखना है कि मेरी माली पोजिशन क्या है। अगर उसका पैसा उससे ज़्यादा बढ़ चुका होगा तो उस पूरे की ज़कात देनी होगी, और अगर उतना ही पैसा होगा तो उसकी भी ज़कात देनी होगी, और अगर उससे कम हो चुका होगा तो ज़कात नहीं देनी है, क्योंकि अगर निसाब की मिकदार से कम हो गया तो फिर ज़कात नहीं देनी है। मसलन एक तालिब इलम है, ये स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है या मदरसे में पढ़ रहा है, उसके घर वाले उसका माहाना खर्चा चला रहे हैं, इत्तेफाक से उसको स्कॉलरशिप मिल गई, और ये स्कॉलरशिप फर्ज करते हैं 30,000 रुपये मिल गया, तो जिस वक्त पहले दिन 30,000 की रकम हाथ में लेगा ये उस दिन मालदार बन गया, क्योंकि 612 ग्राम चांदी की कीमत 30,000 से कम है, तो गोया उसी दिन आप पर ज़कात लाजिम हो गई। लेकिन जाहिर इस महीने में वो खर्च भी करेगा अगले महीने, तो हर महीने में 30,000 की स्कॉलरशिप लेता रहेगा और साथ में खर्च होते रहेंगे। तो जिस महीने में पहली स्कॉलरशिप उसके पास आई है वो महीना वो डेट वो याद रखेगा, और अगले साल जब वही डेट आएगी वही तारीख आएगी उस वक्त वो देखेगा मेरे अकाउंट में कितना मौजूद है। इस पूरे साल में वो हर महीने 30,000 की स्कॉलरशिप लेता रहा है और हर महीने भी खर्च भी करता रहा है, और कुछ उसके बाद बैलेंस भी जमा भी होता रहा है, साल के आखिर पर जितनी रकम उसके पास जमा हुई होगी उस रकम की उसको ज़कात देनी होगी। जिस इंसान ने बिजनेस में पैसा लगा दिया उस इंसान को बिजनेस के माल का हिसाब करना होगा। मसलन फ़र्ज़ करते हैं एक तालिब इल्म है, वो जब उसने स्कूलिंग ख़त्म की या कॉलेज से निकल गया, अब उसने डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस करूँगा, और उसके वालिद ने उसको पैसा दे दिया कि ये तुम मैं तुम्हें 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपये तुम्हें देता हूँ, इससे तुम बिज़नेस शुरू कर दो, रकम ये तुम्हारी है, तुम नफ़ा कमाओगे तब, नुकसान हो जाएगा तब, ये सब तुम्हारा है, और बेटा जो है वो इस रकम का मालिक बन गया, तो जिस दिन रकम का मालिक बन गया उसी दिन इस पर ज़कात भी लाजिम हो गई। अब तक ये स्कूल कॉलेज या मदरसे में पढ़ता था, इसके ज़िम्मे ज़कात लाजिम थी नहीं क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था, अब आज पहली मरतबा इसके वालिद ने इसको पैसा दे दिया बिज़नेस करने के लिए, और वो वालिद ने पैसा भी बतौर कर्ज़ के नहीं दिया बल्कि उसने हेल्प किया अपने बेटे को रोज़गार पर खड़ा करने के लिए। तो जब ये पैसा उसका हाथ में आ गया या मालिक मालदार बन गया, और मालदार बनने पर इसके ज़िम्मे ज़कात लाजिम हो गई।
लेकिन चूंकि इसने रकम जो ली है वो रकम रखने के लिए नहीं ली है, बिजनेस के लिए रकम ली है, तो क्या होगा, इसने इस रकम से माल खरीदा, जो भी माल उसने डिसाइड किया हो, जिसकी भी तिजारत उसने करनी हो, मसा उसने डिसाइड किया कि मैं स्टेशनरी का बिजनेस करूँगा, तो वो ज़ाहिर है कापियाँ, कागज, कलम, रजिस्टर और इस तरह की किताबें स्टेशनरी में जो जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें उसने खरीदी। तो बाप ने इसको दिया था एक अमाउंट, एक रकम, उसने इसको बिजनेस में लगा दिया। अगर ये अमाउंट की रकम रहती ही, जो कि तो रकम रहती तो भी ज़कात लाजिम थी, अब वो रकम नहीं रही है बल्कि इसके बाद तजारत का माल है, तो उस पर भी ज़कात लाजिम। जैसे कैश रकम पर ज़कात लाजिम है, इसी तरह से दुकान में जो बिजनेस का माल रखा हुआ उस पर भी ज़कात लाजिम। इसी तरह से अगर किसी इंसान का पैसा जो है वो किसी बैंक में रखा हुआ है तो उस पर भी ज़कात लाजिम है। किसी शख्स ने ज़मीन पैसा लिया और उस पैसे से उसने ज़मीन खरीदी, तो अगर ज़मीन उसने खरीदी होगी इसलिए ताकि आगे चलकर जो है रेट बढ़ जाएगा तो मैं इसको बेचूंगा, तो इस ज़मीन पर ज़कात लाजिम होगी। और अगर किसी शख्स ने ज़मीन खरीदी मसलन आगे मकान बनाएगा, आगे दुकान बनाएगा, आगे चलकर डिसाइड करेगा इसमें क्या करना है, या आगे बाग लगाएगा, या आगे चलकर उसमें कोई फसल उगाएगा, तो इस ज़मीन पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। आगे देखेंगे इसने क्या किया। अगर इसने जो कतु ज़मीन को रखा मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसमें ज़कात है ही नहीं। लेकिन अगर उसने उसमें कोई चीज़ उगाई, मसलन फसल, मसलन सब्ज़ी, मसलन मेवा, तो जो फसल या सब्ज़ी या मेवा उस पर उशूर लाजिम होगा, ज़कात लाजिम नहीं होती। इस तरह से एक ईमान वाले को समझना चाहिए कि मेरे पास प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस चीज़ की मुझे ज़कात देनी है और किस चीज़ की नहीं है। इसमें इस्लाम ने बड़ी आसानी ये दी है कि घर की जितनी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। मसलन घर के इस्तेमाल की गाड़ी, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, मसलन फ्रिज, वाशिंग मशीन, कालीन, बिस्तरे, सोफे और इस तरह की छोटी मोटी दसियों चीज़ें हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे लोग अपने घरों में 10-15 बिस्तरे बना करके रखते हैं, बर्तन बहुत सारे होते हैं, तो ये चूंकि इस्तेमाल करने के लिए हैं, चाहे साल में एक आध मरतबा इस्तेमाल हो, तो इन तमाम चीज़ों में ज़कात लाजिम नहीं होती है। गाड़ी किसी ने खरीदी अपने घर के इस्तेमाल के लिए, चाहे हर आदमी का अलग अलग गाड़ी हो, उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि ज़कात लाजिम होने की चीज़ें क्या क्या हैं। नंबर एक सोना और चांदी, नंबर दो बिजनेस का माल, नंबर तीन जानवर। और जानवरों को समझना पड़ेगा कि जिस आदमी के पास जानवर हैं कितने जानवर होंगे, कितने ज़कात लाजिम होगी। मतलब 2-4 गायें हैं, 10-20 गायें हैं, उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। जब 30 गायें होंगी तो ज़कात लाजिम होती है। इसी तरह से बकरियां होंगी, 2-4 बकरियां, 10-20 बकरियां, उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती। 40 बकरियों पर एक बकरी ज़कात लाजिम होती है। तो ये बकरी वालों को, जानवर वालों को खुद पूछना होता है कि हमारे पास इतने जानवर हैं, हम कितने ज़कात अदा करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ है ज़मीन से निकलने वाली पैदावार, उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती, उस पर उशर लाजिम होता है। और आगे हजरत दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ज़कात तो वाजिब है लेकिन वो मकरूज भी है, बहुत अच्छा, तो वो कैसे? हाँ, तो अब अगर कोई अभी उसके पास माली पोजीशन ये है कि उस पर ज़कात लाजिम हो गई लेकिन साथ में उस पर कर्जा भी है, तो अब कर्जे की कई सूरतें हैं। या तो जितना उसके पास माल है उतना उस पर कर्जा है, तो इसका मतलब यही कि उस पर ज़कात लाजिम होगी ही नहीं, क्योंकि जितनी उसके पास मालियत है उतना उस पर कर्जा भी है। तो दूसरे लफ्जों में इस पर कोई माल है ही नहीं। फर्ज करते हैं एक आदमी के पास 1,00,000 रुपये कैश है, या 1,00,000 रुपये का बिजनेस का माल है, और 1,00,000 रुपये कर्जा भी है। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास जो 1,00,000 रुपये उसका है ही नहीं, वो तो उसमें कर्जदारों का है। या उसके पास जो 1,00,000 रुपये का सामान है वो उसका है ही नहीं, वो तो कर्जदारों का है। तो ऐसे सब पर ज़कात लाजिम नहीं होती है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास पैसा है, कुछ कर्जा है, तो कर्जा अलग करना होगा, और कर्जा अलग करने के बाद फिर देखेंगे बाकी कितना बच गया। ये जो बाकी बच गया, अगर ये उतना है जिससे 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती हो, तो इसके जिम्मे ज़कात लाजिम हो जाएगी। और अगर उतनी नहीं है तो उसके जिम्मे ज़कात लाजिम नहीं होगी। हो सकता है ये जहनों में ख्याल आए कि 612 ग्राम का ये जो है ये डिजिट कहाँ से निकला, और ये तादाद क्यों रखी गई। या तो सीधे 600 होती, या 700 होती, या 1,000 होती, या 500 होती, ये बीच में ये अदद क्यों लाया गया। तो जवाब उसका ये है कि असल में आज के ज़माने में हुआ है, वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में ज़कात की मकदार जब तय की थी तो आपने ये फरमाया था कि जिस आदमी के पास 200 दिरहम चांदी हो उसके ज़िम्मे ज़कात लाजिम,
या जिस आदमी के पास 20 मिसकाल सोना हो उसके जिम्मे ज़कात लाजिम, 200 दिरहम चांदी या 20 मिसकाल सोना। अब जब आगे न वो मिसकाल रहे न वो दिरहम रहे और आगे चल करके पेपर करेंसी आ गई तो दिरहम और दनानीर वो सारे ख़त्म हो गए। तो जब पेपर करेंसी आ गई तो उस वक्त फिर हमारे उलमा मजबूर हो गए ये देखने के लिए कि वो 200 दिरहम कितनी चांदी होती थी और वो जो 20 मिसकाल सोना वो कितना होता था। तो तहकीक के बाद फिर तय ये हुआ कि 200 दिरहम चांदी 52.5 तोला के बराबर होती है और 20 मिसकाल सोना 7.5 तोला के बराबर होती है। तो 52 तोला चांदी और या फिर सोना अगर हो तो वो 7.5 तोला सोना। लेकिन अब आज का जमाना है वो तोले भी खत्म हो गए, अब आज ग्रामों का दौर है, तो अब ग्रामों का दौर है तो अब ग्रामों में इसको लाया गया तो 52.5 तोला चांदी को जब ग्रामों में लाया गया तो 612 ग्राम पॉइंट कुछ है और सोना जो है वो 7.5 तोला जो है वो 87 ग्राम में आ गया। तो अब आज यूं कहा जाएगा, यानी हुजूर के जमाने में अगर ये बात कही जाती तो यूं कही जाती इस्लामी कानून के मुताबिक जिस इंसान के पास 200 दिरहम चांदी होगी वो साहिब निसाब है, उसको ज़कात अदा करनी है। और इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिस इंसान के पास 20 मिसकाल सोना है वो साहिब निसाब है, मालदार है, उसको ज़कात अदा करनी है। अगले दौर में जब वो मिसकाल और दराहिम नहीं रहे तो अगले दौर में इस बात को यूँ कहेंगे जिस इंसान के पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो उसकी ज़िम्मे ज़कात लाजिम होगी। आज जब हम कहते हैं तो आज उसी बात को कहेंगे जिस इंसान के पास 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत खरीद के बराबर पैसा मौजूद हो या 87.5 ग्राम सोना या उसके कीमत खरीद के बराबर सोना मौजूद हो तो रकम मौजूद हो तो उसकी ज़िम्मे ज़कात लाजिम होगी। अच्छा, अब किसी के पास कैश की सूरत में है, माल की सूरत में है, सोने चांदी की सूरत में है, गोल्ड की शक्ल में है, सिल्वर की शक्ल में है, मगर साथ में कर्जा भी है तो कर्जे को अलग कर लेना है और बाकी देखना है बाकी कितना है। ये जो बाकी है अगर ये उतना बनता है जो निसाब हमने तय किया है, जो इस्लाम शरीयत ने तय किया है, अगर उतना है तो ज़कात उतने की लाजिम होगी इतने की नहीं। बस मैं इसको मिसाल बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। बस हम फ़र्ज़ करते हैं एक आदमी है वो ये कहता है कि जी मेरे पास कैश रकम भी है, दुकान में माल भी है और कर्जा भी है, तो मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो जवाब आएगा आप अपने कैश रकम का अमाउंट देख लो कितना है और आपकी दुकान में जो माल है उसकी कीमत निकालो कितना है। फर्ज करते हैं इसने कैश रकम देखी वो 2 लाख रुपए थी, दुकान में जो माल था वो 3 लाख रुपए का माल था, छोटा सा बिजनेस था, 3 लाख रुपए का माल था, तो इसका मतलब यह है कि इसके पास 5 लाख की मालियत है। अब जब इसने देखा दूसरों का कर्जा इसके जिम्मे कितना है, फर्ज करते हैं दूसरों का कर्जा इसके जिम्मे 3 लाख रुपए था और वह मुख्तलिफ दुकानदारों का कर्जा है जो उसको पहुंचाना है, इसका मतलब यह हुआ कि ये 5 लाख की मालियत का मालिक नहीं है, ये 2 ही लाख की मालियत का मालिक है क्योंकि 3 लाख तो इस पर कर्जा ही है। तो अब इसको 2 लाख की ज़कात अदा करनी होगी और 2 लाख की ज़कात बनती है 5,000 रुपये। हालांकि इसके पास मौजूद जो है वह है 5 लाख, कुछ कैश की शक्ल में और कुछ माल की शक्ल में, मगर असल में वो मालिक 2 ही लाख का है। ये है तरीका। और इसके बाद भी अगर किसी इंसान को ज़कात के इस निज़ाम के समझने में कहीं कोई उलझन आ रही हो तो उसका हुक्म ये है कि वो किसी करीब के काबिल माहिर मुस्तरद आलिम मुफ्ती से मिले और तब अपने तमाम हालात बता करके फिर समझ ले कि मुझे कितनी ज़कात अदा करनी है ताकि ज़कात ठीक ठीक मुसलमान अदा कर सके। हज़रत, ये एक भाई ने सवाल पूछा है कि इनके माँ बाप जो है वो ज़कात देने में गफलत करते हैं, अब ये चाहते हैं कि ये उनकी तरफ से ज़कात दें, तो पूछ रहे हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ और अगर ऐसा करूँ तो क्या पहले उनसे इजाज़त लेनी ज़रूरी है। माँ बाप ज़कात देने में गफलत बरत रहे हैं बेइंतहा अफसोस की बात है और ख़ुद इस बच्चे में ज़कात अदा करने का जज्बा पैदा हुआ, ये बहुत काबिल तहसीन बात है कि वालदेन को तो फिक्र नहीं है बेटे को फिक्र है। अब इस सूरत में अगर ये बेटा इसकी फिक्र करे कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से ज़कात अदा करूँगा वरना उनको सख्त तरीन सज़ा लग सकती है, इसलिए कि इसमें सख्त वईदें हैं, कुरान करीम में भी वईदें हैं कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे उनका माल गर्म कर करके उनके जिस्म को दागा जाएगा। कुरान करीम में योम युहमा अलिया फी नार जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनज़ून। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो माल गर्म करके तुमको ये माल अजदहा बन करके क़यामत के दिन उसके
उस पर मुसल्लत होगा और बहुत बुरी तरह से उसको भगोड़ेगा। हदीसों में मौजूद है, सही अहादीस में, कुरान करीम की आयतों में ज़कात अदा न करने पर सख्त तरीन वईदें हैं। तो लिहाजा बहुत अफसोसनाक मामला है ये उस शख्स के बारे में जो मुसलमान है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो चाहे जो भी हो, कि वो ज़कात अदा करने के सिलसिले में फिक्रमंद न हो। बेटे को ज़कात, वालदेन की ज़कात अदा करने की फिक्र है, बहुत गनीमत, बहुत मुनासिब। हो सकता है इस बेटे के इस इकदाम से ही वालदेन को तनब्बुह हो जाए, वो समझने लगे कि फिक्र तो हमें करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर वालदेन इसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं और बेटा, तो वालदेन के दिए हुए इस माल में से जब बेटा वालदेन की तरफ से ज़कात अदा करेगा तो ज़कात अदा हो जाएगी, और उनको बाखबर करना ज़रूरी है कि तुम्हारे माल पर इतनी ज़कात लाजिम है, तुमने मुझे जो कुछ दिया था जेब खर्च के तौर पर या किसी और के नाम पर, मैं वो तुम्हारी तरफ से ज़कात अदा कर रहा हूँ। अब अगर वालदेन उस पर एतराज़ करने लगें या सवालात करने लगें तो बेटे को अच्छी तरह से कहना चाहिए, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, जैसे हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है ऐसे हर मुसलमान पर ज़कात भी फ़र्ज है, और आप पर भी ज़कात फ़र्ज है और आप इसमें कोताही कर रहे हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा जब मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरे वालदेन जहन्नम में जाएंगे और मेरे वालदेन कयामत के दिन अज़ाब में पकड़े जाएंगे, उसे तुम्हारी आखिरत बचाने के लिए मैं ज़कात देता हूँ, चाहे मुझे अपने जेब खर्च देना देना पड़े। बस ये साफ खुल करके बात कहनी चाहिए। हज़रत, ये एक साहब ने सवाल पूछा है कि ज़िंदगी के अक्सर हिस्से इन्होंने बसबब गफलत ज़कात अदा नहीं की, अब ये तौबा कर चुके हैं और पूछ रहे हैं कि अब कैसे हिसाब करूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस इंसान ने पिछले सालों की ज़कातें अदा नहीं की हैं, उन इंसानों के लिए हुक्म क्या है? हमारी किताबों में जहाँ ज़कात का, ज़कात के मसाइल लिखे भी होते हैं, वहाँ ये सवाल भी होता है, उसका जवाब भी होता है। एक तो उसको तौबा करनी चाहिए कि या अल्लाह, मैंने गफलत बरती है और जब जब मुझे ज़कात अदा करनी थी मैंने अदा नहीं की, मुझे माफ़ी मिले, तो मुसलसल तौबा करना है, एक अमल तो ये करना है। और दूसरे, हर साल अपनी माली पोजिशन को देखना है कि मसलन फर्ज कीजिए पिछले 5 साल से किसी ने ज़कात अदा नहीं की है, तो उसको ये देखना है कि 5 साल पहले मेरी माली पोजिशन क्या थी, उस वक्त मेरे पास कैश रकम कितनी थी, कैश रकम की ज़कात निकालनी हो या बिजनेस माल की ज़कात निकालनी हो या जिन चीज़ों की थी, उस वक्त उसकी मालियत ढूंढनी है। और हो सकता है कि उसमें हिसाब लगाने में थोड़ी सी गलती हो जाए, तो जवाब उसका यह है कि इस वक्त हिसाब लगा करके कुछ ज़्यादा रकम मान ली जाए। मसलन इसने ये समझा कि 5 साल पहले मेरे पास मालियत जो थी वो 10 लाख रुपए की थी, तो उसको बजाय इसके 10 लाख के मानने के या 11 और 12 लाख मान ले, ताकि आज उसकी ज़कात अदा करे 12 लाख के हिसाब से। तो हर साल कितनी माली पोजिशन क्या रही है वो उसके हिसाब से ज़कात अदा करता रहेगा। वैसे बिजनेस करने वाले लोग तकरीबन हर साल अपना खाता रखते हैं और हर साल उनके पास मौजूद होता है, पिछले साल जब माली साल हमारा मार्च में ख़त्म हुआ, हमने इस पूरे साल में कमाया कितना, खर्च कितना किया, बैलेंस कितना है, ये हर साल का खाता मौजूद होता है, उसी खाते को सामने रख करके अपने हिसाब बना सकते हैं। तो मसलन मान लीजिए एक शख्स कहता है कि जी आज 2019 है, मैंने 2014 की ज़कात अदा नहीं की है, तो हम कहेंगे 2014 का हिसाब निकालो और उसमें देखो आखिर साल ख़त्म होने पर तुम्हारे पास माली पोजिशन क्या थी, बैलेंस क्या था, उसकी ज़कात अदा करो और थोड़ा बढ़ता हुआ अदा कर देना। यानी तुम्हारे हिसाब में अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए आया तो तुम 1.5 लाख रुपए मान करके ज़कात अदा करो, जो ज़्यादा चला जाएगा वो ज़्यादा ज़कात होगी तो ज़कात में अदा होगी, और अगर नहीं तो सदक़े का सवाब मिलेगा। तो हर साल इस तरह से ज़कात अदा करेगा हर साल के हिसाब से, और साथ में तौबा भी करेगा। इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ी रकम बन जाए, और बनी की रकम, मगर आखिर दुनिया में पैसा जो है वो खर्च होने के लिए है, और ये खर्च किस किस चीज़ पर होगा, इंसान की ज़रूरियात पर भी खर्च हो सकता है और इंसान बहुत सारी फजूलियात पर, अय्याशियों पर और बेकार कामों पर भी खर्च कर सकता है। खर्च करने की सबसे अंतरिम जगह जहाँ अल्लाह का हुक्म है वहाँ खर्च करो। तो माल को मैं खर्च कर रहा हूँ अपने नफ्स की चाहने पर, और माल को मैं खर्च कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म पर, तो अल्लाह के हुक्म पर माल खर्च करना तो पहली जिम्मेदारी है एक ईमान वाली की, कि मेरे पास माल आ गया, मेरा नफ्स कहता है कि मुझे मज़ेदार खाना मिले, मेरा दिल चाहता है कि मेरे कपड़े अच्छे बने, मेरा अल्लाह कहता है पहले मेरे गरीबों को दे दो, तो मुझे पहले अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। इसलिए पिछले कई सालों की ज़कात जो काफ़ी बड़ी रकम बन जाएगी, तो हो सकता है कि इंसान सोचता है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ मैं एट ए टाइम अदा करूँगा, तो जवाब एक हिसाब बना करके रखना चाहिए और उसका भी थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए, ताकि इंसान इस हाल में दुनिया से रुख्सत हो तो वो ये कह सके कि या अल्लाह मेरे जिम्मे ज़कात किसी साल की भी बाकी नहीं रही। जी, एक तालिबे इल्म ने सवाल पूछा कि उनको स्कॉलरशिप मिली है, ये जवाब आपने पहले ही फरमा दिया। बहुत अच्छा, फिर मैं थोड़ा
इख्तसार के साथ रिपीट करता हूँ, जिस तालिबे इल्म को स्कॉलरशिप मिल रही है वो तालिबे इल्म जिस महीने में स्कॉलरशिप उसने लिया उसी महीने वो मालदार बन गया, और जाहिर है स्कॉलरशिप वो खर्च भी करता रहेगा, उसमें कुछ पैसा बचेगा कुछ पैसा खर्च होगा, हर महीने स्कॉलरशिप मिलता रहेगा और कुछ पैसा खर्च होता रहेगा कुछ पैसा बचता रहेगा। जिस महीने में इसकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है अगले साल उसी महीने में वो देखे उसके अमाउंट में उसके अकाउंट में कितना पैसा मौजूद है, तो बस उसके हिसाब से वो जकात अदा करेगा 2.5% के हिसाब से। मसलन फर्ज कीजिए जिसको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल रहा है, इसके महीने का खर्चा हम मान करके चलते हैं 15-20,000, हर महीने 15-20,000 उसका खर्चा है और 30,000 उसको ले रहा है। साल जब ख़त्म हो गया तो साल ख़त्म होने के बाद फिर इसने ये देखा कि वो जो हर महीने मेरा कुछ बचता रहा है बैलेंस बता रहा है वो इस वक्त 2,00,000 रुपये बन चुका है, तो इस 2,00,000 से ज़कात अदा करनी होगी। हालांकि इस पूरे 2,00,000 पर साल गुजरा नहीं है, साल तो गुजरा है पहले वाले उस 30,000 के स्कॉलरशिप पर, उसमें से जो बचा है उस पर पूरा साल गुजरा है, बाकी हर महीने में उसमें बढ़ता रहा है, यहाँ तक कि आखिरी महीने में जो उसे रकम उसके पास आई उसके बाद तो एक महीने में गुजरा, लेकिन ज़कात पूरे पे लाजिम हो जाएगी। जी एक साहब ने गैर मुस्लिमों का एतराज़ नकल किया है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुस्तकिल फ़र्द के तौर पर वजूद बख्शा और अपने हाथ से बनाया, लेकिन हवा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा फरमाया, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस्लाम औरत को जिन से कमतर समझता है और निचला दर्जा देता है और एक मुस्तकिल और खुद मुख्तार फर्द तस्लीम नहीं करता, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, इसकी हिकमत क्या थी? बहुत अच्छा, पहली बात तो यह है कि इस्लाम औरत को कमतर मर्द को बरतर ये तकसीम नहीं करता, अलबत्ता इस्लाम ने मर्द को जिम्मेदार बनाया और औरत को उसका मातहत रखा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से किसी ऑफिस में अफसर जो है वो जिम्मेदार होता है और बाकी सारा स्टाफ उसका मातहत होता है, जैसे एक घर में घर का बाप घर के पूरे घर का हेड होता है और बाकी तमाम लोग उसके मातहत होते हैं, ठीक। तो जैसे फौज के अंदर कमांडर सरबरा है बाकी सारी फौज उसके मातहत है, ऑफिस के अंदर साहब जो है वो सरबरा है बाकी सारा उसका, काबीना के अंदर एक सरबरा होता है बाकी सारे उसके मातहत होते हैं, मुल्कों के अंदर कोई सरबरा होता है बाकी सारे उसके मातहत होते हैं, ये तो फितरी निज़ाम है, और इस फितरी निज़ाम में औरत एक घर में है वो घर के मालिका है, दर्जा उसका मुस्तकिल है, वो अगर मर्द के मातहत है तो कुछ चीज़ों में मातहत है अक्सर चीज़ों में वो खुद मुख्तार है, मसलन जैसे मर्द पर नमाज फ़र्ज है ऐसे औरत पर भी नमाज फ़र्ज है, जैसे मर्द जो है अपने माल का खुद मालिक है औरत भी अपने माल की खुद मालिक है, जैसे मर्द जो है वो आराम करने का खुद मालिक है औरत भी अपनी आराम करने की खुद मालिक है, मर्द अगर कमा रहा है उसकी प्रॉपर्टी उसकी अपनी है वो खर्च करेगा उन तमाम जगहों पर जहां उसकी ड्यूटी खर्च करने की है, औरत अगर कमा रही है तो उसकी प्रॉपर्टी अपनी है वो जहां चाहे तो खर्च कर सकती है, उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ठीक। तो हुकूक में फ़राइज़ में अखलाकियात में दर्जे में समझ ये हो सकता है कि एक औरत ज़्यादा इबादत गुजार है शौहर का इबादत गुजार नहीं उसका दर्जा बहुत ऊँचा है बमुकाबले उसके शौहर के, एक मर्द जो है वो तरह तरह की मसलन खुदा ने खासा गलतियाँ कर रहा हो और औरत उस तरह की तमाम गलतियों से पाक साफ हो तो वो औरत मुमिना सालिहा करार पाएगी जबकि उसका शौहर जो है वो फासिक व फाजिर माना जाएगा, तो इसलिए तकसीम ये है ही नहीं कि बरतर कौन है और कमतर कौन है, दोनों का वजूद ज़रूरी, दोनों एक दूसरे के मोहताज, दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी ज़िंदगी को अधूरी समझते और गुजार भी नहीं सकते हैं, इसलिए ये तस्वुर ही गलत है कि इस्लाम ने औरत को दूसरा दर्जा दिया, नहीं, औरत इस्लाम ने औरत को औरत का दर्जा दिया मर्द को मर्द का दर्जा दिया, जैसे कानून दफ्तर के अफसर को अफसर का दर्जा देता है दफ्तर के चपरासी को चपरासी का दर्जा देता है दफ्तर के मुलाजिम को मुलाजिम का दर्जा देता है, तो हर एक अपना अपना दर्जा है, ठीक इसी तरह से जैसे इस्लाम ने बाप को बाप का दर्जा दिया बेटे को बेटे का दर्जा दिया बड़े भाई को बड़ा भाई होने का दर्जा दिया छोटे भाई को छोटे भाई होने का दर्जा दिया, लिहाजा ये तस्वुर या ये सवाल ही गलत है कि इस्लाम ने औरत को कमतर दर्जा दिया है, हरगिज़ नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए से हवा को पैदा किया, ये हज़रत आदम ही का मामला नहीं है, अल्लाह ने दुनिया की तमाम चीज़ों के पैदा करने का एक निज़ाम एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम चल रहा है और सारी दुनिया में वो चलता रहेगा। अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह ने आदम की पसली से हवा को पैदा किया लिहाजा हवा कम दर्जे की है, इस हवा के पेट से अगर मर्द पैदा हो रहा है उस मर्द को कौन सा दर्जा देंगे फिर, तो ये भी कहना चाहिए कि वो मर्द जो है वो कम दर्जे का है क्योंकि वो माँ के पेट से पैदा हुआ, लिहाजा ये सवाल सही नहीं है, ये सवाल ही गलत है। असल ये कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी कुदरत से आदम को पैदा किया और फिर आदम का एक सेल लेकर के जिसको ताबीर किया गया पसली से एक सेल लेकर के उसे दूसरा इंसान खड़ा किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अल्लाह पुराने जमाने में
बच्चों को सवाल करते थे, बताओ जी मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब अगर वो कहता था मुर्गी पहले आई तो सवाल करते थे, मुर्गी तो अंडे से निकलती है तो मुर्गी पहले कैसे आ गई, अंडा वो कहता था फिर अंडा पहले आया, तो जवाब आता था अंडा तो मुर्गी से निकलता है, तो बेचारा बच्चा जवाब नहीं दे पाता था। ये सिर्फ बच्चों का जवाब नहीं है, बच्चों का मसला नहीं है, ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े उन महक्कीन के सामने सवाल है जो इस पर गौर करेंगे कि कायनात कैसे शुरू हुई। तो जवाब उसका क्या है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक फर्द को पैदा किया, इस फर्द को पैदा करने के बाद आगे निज़ाम चलाया। आगे क्या निज़ाम चलाया, ये फर्द मर्द था, उसके एक एक पार्ट को लेकर के उसे औरत बनाई, इसके बाद फिर हम मर्द और औरत आपस में मिलेंगे अगली नस्ल चलेगी, फिर आगे मर्द और औरत आपस में मिलेंगे अगली नस्ल चलेगी, और ये सिर्फ इंसानों का नहीं सारे जानवरों का सिस्टम यही है। दरअसल अल्लाह ने मखलूकात में पैदाइश के लिए कहीं तो बीजों का इस्तेमाल किया, कहीं अंडों का निज़ाम बनाया, और कहीं सैमन और एग का निज़ाम बनाया। जानवर और इंसानों के लिए अल्लाह ने सैमन और एग का निज़ाम बनाया है, और परिंदों के लिए अल्लाह ने अंडे का निज़ाम बनाया, अंडों के जरिए से पैदा होते हैं, और बाकी तमाम चीज़ें जो जमीन से निकलते हैं उनके लिए सीड का निज़ाम बनाया। जमीन में बीज डाला जाएगा, वो बीज पानी और मिट्टी ये तीनों मिल जाएंगे, वो जमीन से अनाज निकलेगा। उसके बाद फिर अनाज के अंदर भी मेल फीमेल है, और मेल फीमेल के बाद फिर उनसे कहते कैसे फूलों के अंदर मेल फीमेल सिस्टम है, फल फल जो है वो मेल फीमेल सिस्टम के जरिए उसी के नतीजे में इसी के नतीजे में पॉलिनेशन पॉलिनेशन की सारी थ्योरी चलती है। तो अल्लाह ने अपनी हर मखलूक को पैदा करने का एक निज़ाम बनाया, इंसान को पैदा करने का निज़ाम ये बनाया, पहले अपनी कुदरत से आदम को बनाया, आदम के एक हिस्से से उसके बीवी हवा को बनाया, फिर इन दोनों का निज़ाम आगे चला, ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक की बॉडी के अंदर सेमन होगा, दूसरी बॉडी के अंदर एग बनेगा, ये सेमन और एग एक खास टाइम पर एक खास अंदाज आपस में मिलेंगे, इसके बाद आगे इंसान बनेगा, फिर वो इंसान दुनिया में आएंगे उसके अंदर भी मर्द होगा तो सेमन बनेगा और औरत होगी तो एग बनेगा, फिर ये आपस में मिलेंगे। ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया, तो इसका ताल्लुक इस बात से हरगिज नहीं है कि मर्द बरतर दर्जे का है औरत कमतर दर्जे का है, दोनों मुसलमान दोनों इंसान दोनों के हुकूक दोनों के इख्तियार दोनों की हदबंदियाँ हैं, दोनों एक दूसरे के रफीक और दोनों एक दूसरे के शरीक। दूसरा सवाल है कि मुसलमान पर जब कोई बला व मुसीबत आती है तो उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करके अपनी कमजोरियां छुपाते हैं। मिसाल इन्होंने कही है कि मसलन किसी का घर जलजले में गिर जाए तो बजाय इसके कि वो इंजीनियर की खता समझे या मटीरियल ठीक नहीं लगा, ये सब चीज़ें सोचने के बजाय ये कहते हैं कि अल्लाह का अजाब है, या सैलाब आ जाए तो जो दरिया में हमारा तसरुफ होता है उसके बजाय कहते हैं कि अल्लाह का गजब है। तो इस तरह की सोच से क्या मुसलमान अपनी कमजोरियों को उन पर तवज्जो नहीं देते बल्कि उसको अल्लाह की तरफ मंसूब? पहली बात यह है कि दुनिया में जब मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों आने के मुख्तलिफ वजहें हों, कभी तो मुसीबत आएगी इंसान की गुनाहों की वजह से तो वो अल्लाह का अजाब होता है, फिर वो या तो फर्द पर आती है या बुरी कौम पर आती है। मुसीबत परेशानियां या तो आएंगी इंसानों की गलतियों की वजह से, इंसानों के गुनाहों की वजह से, इंसानों के जुर्मों की वजह से। कुरान करीम में बहुत सारी आयतें अल्लाह ताला शानो इसी मजमून में बयान करने के लिए नाज़िल फरमाई हैं कि मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, मैं बहुत सारा माफ़ कर देता हूँ, फिर भी जब तुम काबू में नहीं रहते हो कंट्रोल में नहीं आते हो उसके बाद भी थोड़ी सी सज़ा भी देता हूँ। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बेटा जो है वो गलती पे गलती कर रहा है, बाप उसको माफ़ करता रहता है, तंबीह भी कर रहा है समझा भी रहा है, जब बेटा बाज नहीं आता है तो आखिर में बाप उसके खिलाफ कोई खतरनाक एक्शन दे देता है और कहता है निकल जाओ घर से, मैं तुमको प्रॉपर्टी से महरूम कर देता हूँ या वगैरह कुछ। बस ठीक इसी तरह से जब अल्लाह ताला शानो बंदों को देखते हैं ये गुनाहों से रुक नहीं रहे हैं, बाद में अल्लाह ताला एक्शन ले लेते हैं और उस एक्शन लेने का नाम ही अजाब है। और कभी अल्लाह ताला शानो की तरफ से परेशानी आएंगी वो अजाब नहीं होगा, वो इम्तिहान होता है, जैसे सहाबा किराम जैसे नबियों को परेशानी आई वो परेशानी अजाब नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता था, और नबी भी समझते थे कि हम पर कोई अजाब नहीं है, ये इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से और हमें इस इम्तिहान में कामयाब होना है। यहाँ तक कि बाज़ नबियों को आरों से चीरा गया, बाज़ नबियों को पथराव किए गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तो कई सौ साल तक अपनी कौम के पथराव झेलने पड़े हैं, और वो कुरान करीम में मौजूद है वो किस तरह से उनको तकलीफें, खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफें पहुँचाई गई कि इस कायनात में किसी को भी इतनी तकलीफें नहीं पहुँचाई गई हैं। तो जाहिर है उनको आने वाली तकलीफें या उनको अगर फाके लगे या उनको अगर तंदस्ती रही वो अल्लाह का अजाब नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। अब ईमान वालों पर कभी कोई मुसीबत आए और
وہ بجائے اس کے کہ اپنا سدھار کرے وہ کہنے کہ یہ خدا کی طرف سے یقیناً ہے, مگر وجہ اس کی انسانوں کی برے اعمال ہوتے ہیں. جب انسانوں کے اندر بگاڑ ہوگا مثلا ناپ تول میں کمی ہو, ڈیوٹیاں پوری نہ دیں, رشوتیں کھائیں, آوارگی ہو, غلط تعلقات چل رہے ہوں, شراب نوشیاں ہونے لگے, اس پر اللہ کی طرف سے جو سزا آئے گی, اس سزا کے معنی یہ ہے کہ تم سدھر جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لاؤ. اس کے برخلاف اگر مسلمان یہ کہیں گے یہ خدا کی طرف سے اور اپنے سدھار نہیں کریں گے, اس کے معنی اس کا مطلب ہے آگے اس سے بڑا عذاب آئے گا. اور ترتیب یہی ہے کہ جھٹکا لگ گیا جیسے کشمیر پر زلزلہ آیا تھا, سدھار اگر آیا ہوتا تو شاید ہو سکتا تھا آگے سیلاب نہ آیا تھا, اور سیلاب نے آ کر اس سے بڑا جھٹکا دے دیا. سدھار اگر آ گیا تو ٹھیک, اگر نہیں تو اس کے بعد اس سے بڑا جھٹکا آئے گا, اور وہ نہیں پتا وہ کس صورت میں آئے گا, کیونکہ اللہ کی طرف سے پکڑ جو آتی ہے وہ کسی ایک شیپ میں نہیں آتی ہے, کبھی ایک شیپ میں آتی ہے کبھی دوسری شیپ میں آتی ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے اہل نظر علماء کہتے رہتے ہیں کہ صاحب قوم کے اندر سدھار نہیں ہے, آگے اس سے کسی بڑی پکڑ کے لیے تیار رہنا ہے. پھر کیوں, جب سدھار نہیں آئے گا تو اس سے بڑا بڑے, اور جب وہ خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس میں بروں کے ساتھ نیک بھی پس جائیں گے, اس میں گھروں کے ساتھ اس میں جیسے شراب کھانے جائیں گے, جیسے وہ ہوٹل جائیں گے جن میں گناہ کا کام ہوتا ہے, جیسے وہ ہاؤس بوٹ ختم ہو جائیں گے جن میں گناہ کے کام ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ مسجد میں جائیں گے. اللہ کا قانون یہی ہے. تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑے والے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹا والا عذاب بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں اور اپنی اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی کو اختیار کرنے والے بنے. گستاخی میں میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں ضرور جی. اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کا گھر زلزلے میں گر گیا تو اس وقت مسلمان قوم کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہمارے یہاں جو غلط مٹیریل بک رہا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں, یا اگر سیلاب آیا تو دریائے جہلم پہ اگر اس کا ہم اس کو تنگ کیے جا رہے ہیں, تصرف کر رہے ہیں اس میں, تو اس کو ہم کیسے سدھاریں. صحیح ہے. تو مسلمان اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے, وہ دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں اور اس جو اہم نقطہ اس وقت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی پریشانیوں کا کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے تو اس پر ساری چیزیں دیکھنی کی ہیں, ساری چیزیں. کوتاہیاں اگر ہوں کوتاہیوں کو درست کیا جانا چاہیے, کوتاہی پھر عملی اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے. مثلا فرض کرتے ہیں ایک آدمی سموکنگ کر رہا ہے, سگریٹ تمباکو پی رہا ہے, ڈاکٹر اسے کہہ رہے بار بار کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑے, اس نے کنٹرول کیا نہیں یہاں, اور ساتھ دوسرے گناہ بھی کر رہا ہے, اور اسی بیچ میں ڈکلیئر ہو گیا کہ صاحب کو کینسر ہے, ڈکلیئر ہو گیا اس کو کینسر ہے. تو کینسر کا ایک سبب کیا ہونا, سموکنگ, اور دوسری وجہ کیا ہوئی, اس کے گناہ والی زندگی. تو آپ اس کو چاہیے کہ ایک طرف سے اپنی اس خامی کو بھی دور کرے, دوسری طرف سے وہ والی خامی بھی دور کرے, دونوں ایک ساتھ. مثلا یہاں معمولی جھٹکا لگا, اس معمولی جھٹکے سے جہاں بلڈنگوں میں غلط مٹیریل لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے مکانات گر گئے, جہاں سیلاب نہیں آ سکتا تھا مگر چونکہ سارے کنال بھر دیے, اور جہاں جہاں سے فلڈ کنٹرول کرنے کے لیے کنال بنائے گئے تھے ان ساروں میں کنسٹرکشن ہو گیا اور وہ بھرتی گئی, اس وجہ سے سیلاب آ گیا. یہ تو ظاہری انسانی تدبیریں ہیں. جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو دونوں تدبیروں کا علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے, ظاہری تدبیر بھی اور اپنی کمیاں بھی. مثلا فرض کرتے ہیں قوم کے اندر سدھار ہی سدھار ہے, اور اس کے بعد پھر پانی کے زیادہ آنے پر خطرہ ہے پانی شہر میں چڑھ جائے گا, تو وہ جگہیں بھی صاف کرنی ہوں گی جن جگہوں پر پانی کے چڑھ جانے کا خطرہ ہے, یعنی وہ فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو خشک راستے بنائے گئے ہیں, جو دریائے راستے بنائے گئے ہیں, ان کو بھی چھوڑنا ہوگا. ٹھیک, ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نیک تھے مگر چونکہ ادھر سے کوتاہی کی گئی تو سزا, تم پریشان. اور اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر چاروں طرف سے انتظامات فٹ ہیں, صاحب بلڈنگیں بہت مضبوط بنائی ہیں تاکہ ہمارے زلزلے سے کچھ نہیں ہوگا, اور فلڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سارے انتظامات ہیں, اور حکومت کی طرف سے اعلان بھی سارے ہو رہے ہیں, یہ سارے ہونے کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا انسانوں کے گناہوں پر, ان کو سزا دینی ہے تو سزا آ کے رہے گی, اس میں انسان کچھ نہیں کر سکے گا. اور اس کی میں دلچسپ مثال سناتا ہوں. ایک دفعہ رشیا میں زلزلہ آیا تھا, اس وقت وہ سوویت یونین تھا, اور جب وہ بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس کے بعد پھر اس زمانے میں جو سربراہ تھا وہاں کا, وہ سربراہ پریس کانفرنس میں ہیں اور پریس والے جو ہیں سوالات پہ سوالات کرتے گئے, اور
साथ में कहते रहे कि साहब हमारे बैंक में बहुत से अखबारों ने पहले पेशन गई क्यों नहीं की और फलाने बैंक में ने ये क्यों नहीं किया। तो आखिर में जवाब देते देते जब वो तंग आ गए तो बावजूद कम्युनिस्ट होने के, बावजूद खुदा का इनकार करने को, उसने कहा कि ऊपर वाला ही तबाह करने पर आ जाए तो फिर यहाँ सारे बैंक में बैठ जाते हैं। सवाल एक है कि मुसलमान अल्लाह से डरते क्यों हैं, अल्लाह उनके खौफ से क्यों राजी होते हैं और क्या इताअत के लिए मोहब्बत काफी नहीं? पहली बात यह है कि मुसलमान अगर अल्लाह से डरते जैसा डरने का हक है तो हमारे पूरे समाज में ये गुनाह होते ही नहीं। न डरने ही का तो नतीजा है कि हमारे समाज के हर हर तबके में तरह तरह के गुनाह हैं। जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा है, चाहे वो सड़क पर, चाहे वो दफ्तर में, चाहे वो ऑफिस में, चाहे वो मैदान में, चाहे वो घर के अंदर, चाहे वो खेतों में, चाहे बागों में, चाहे बिजनेस में, चाहे दुकान में, चाहे कोर्टों में, जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा है। अगर अल्लाह का डर होता तो ये जुल्म थोड़े होता। रिश्वत खाने वाले रिश्वत खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, अगर अल्लाह का डर होता तो ये नहीं होता। नौजवान लड़के और लड़के तरह तरह की बुराइयों में हैं, अगर अल्लाह का डर होता तो ये थोड़ी होता, तो डर है ही नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि अल्लाह की जात पर ईमान लाने के फौरन दो नतीजे निकल आते हैं, एक अल्लाह की मोहब्बत, एक अल्लाह का खौफ। ये मोहब्बत भी जरूरी है और खौफ भी जरूरी है। ईमान वालों की सिफत कुरान करीम ने यह बयान फरमाई, ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और ईमान वालों की खसूसियत कुरान करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह से डरने वाले होते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। ये डर ही की बात थी। जरा सी तेज हवा चली, हुजूर डर गए कि कहीं यहां पर अजाब तो नहीं आ गया, फौरन मस्जिद की तरफ दौड़ करके गए। तो ये खौफ था, खौफ ही। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबा सफर किया, तबूक का सफर, उसमें हजारों साहब आपके साथ थे, बल्कि बाद किताबों में लिखा हुआ 30,000 साहबा, और कहीं एक तादाद बताई जाती है 70,000 साहबा। इतनी बड़ी तादाद के साथ साहबा इकराम के साथ आप अलैहिस्सलाम ने सफर किया, मदीना तैयबा से तबू का सफर। रास्ते में कौमी समूद की बस्तियां आई तो आपने फरमाया कि डरते हुए और रोते हुए यहां से गुजर जाना, और आपने अपने सर मुबारक पर चादर डाल दी या रुमाल डाया और सर नीचे करके उस पूरे इलाके से निकल गए। ये खौफ था। ईमान वाला अल्लाह से मोहब्बत करने वाला भी होता है और ईमान वाला अल्लाह से डरने वाला भी होता है। एक शरीफ अच्छा बच्चा अपने वालिद अपने माँ बाप से मोहब्बत भी करता है और अपने माँ बाप से डरता भी है। वो ये भी जानता है कि मैं सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे माँ बाप हैं, सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसान मेरे माँ बाप का है, और शरीफ है इसलिए वो डरता भी है कि मेरी किसी गलती की वजह से मेरे माँ बाप नाराज़ ना हो। चलो शरीफ बच्चा जो है अगर उसे कोई गलती हो जाए वो अपने माँ बाप के सामने चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, यही डर होता है। दीन में कुछ चीजों पर अमल करना है और कुछ चीजों से बचना है। जिन चीजों से बचना है उनको कहते हैं हराम और जिन चीजों पर अमल करना है उनको कहते हैं फर्ज। जब अल्लाह की मोहब्बत भी होगी तो उन चीजों के करने में मजा आएगा, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसका ऑर्डर मानने में मजा आता है, लुत्फ आता है। ठीक, बेटा बहुत शौक के साथ अपने बाप का हुक्म पूरा करता है, बेटे का शौक होता है, बाप बड़े मजे के साथ उसकी वो चाह पूरी कर देता है। नया नया निकाह होता है, शौहर बड़ी खुशियों के साथ बीवियों के तकाजे पूरे करते हैं, बीवियां बड़े शौक के साथ अपने शौहरों के लिए अपनी तरफ से मोहब्बत की जो भी वो कर सकते हो वो करती हैं। अच्छा खाना बनाएंगी, अच्छा रवैया बरतेंगी खुश करने के लिए। जिससे मोहब्बत होती है इंसान चाहता है मैं उसके काम आऊँ, इंसान चाहता है मैं उसकी बात को मानूँ, इंसान चाहता है मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे वो खुश हो जाए। मोहब्बत का तकाजा यही है। तो ईमान वाला अल्लाह से मोहब्बत रखता है, वो बहुत खुश होकर के अल्लाह का हुक्म पूरा करता है, और चूंकि ईमान वाला अल्लाह से डरता है इसलिए हर ऐसे अमल से बचने की कोशिश करता है जिस अमल से उसे पता चले कि अल्लाह नाराज़ होंगे, और अल्लाह नाराज़ होंगे तो अल्लाह क्या क्या सजा दे सकते हैं। तो मोमिन के दिल में अल्लाह का खौफ भी ज़रूरी है और मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी ज़रूरी है। खौफ का अपना फ़ायदा है और मोहब्बत के अपने फ़ायदे। एक शख्स ने सवाल पूछा है कि उनके बैंक में कुछ रकम रखी है उन्होंने और उस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरी तरफ से उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है, तो क्या जो उनको इंटरेस्ट मिलता है अपने पैसे पे क्या उसको वो उस लोन के इंटरेस्ट चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें इनका उसी बैंक में अकाउंट भी है और उस अकाउंट पर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है और उसी बैंक का इनके जिम्मे लोन भी है और वह इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। वो वाला इंटरेस्ट वहाँ से लेकर के इस जगह के इंटरेस्ट में देना चाहें दे सकते हैं, उसकी इजाजत है। जी, अब अगर किसी अपना तो लोन नहीं है, किसी और बैंक का है या हाँ, तो उसी बैंक का अगर लोन है उसी बैंक का एक ही होना चाहिए। तो गया यहाँ से इस बैंक से हमने इंटरेस्ट का पैसा लिया और वापस दूसरी जगह दूसरे के लोन पर ये पैसा उसी बैंक को वापस चला गया, तो जायज़ है।
ये दूसरे बैंक से मुराद दूसरा बैंक है या दूसरी जगह ब्रांच जो होती ब्रांच, है? दूसरी ब्रांच, दूसरे बैंक में नहीं दे सकते ब्रांच उसी में। मतलब मान लीजिए हम मिसाल के तौर पर देते हैं, एक आदमी का अकाउंट है जेके बैंक में और वहाँ उसके अकाउंट में वहाँ इंटरेस्ट का पैसा भी आ गया है, दूसरे आदमी का पैसा, दूसरे आदमी ने लोन लिया है इसी जेके बैंक से किसी और ब्रांच से और अग्रूद है, ठीक, तो गया यहाँ से पैसा जो इंटरेस्ट के नाम पर आया जेके बैंक से आया और वापस जेके बैंक ही में चला गया, अगर जो ब्रांच दूसरी है या आदमी दूसरा है। ये दूसरा सवाल है कि क्या इंटरेस्ट की रकम हम इनकम टैक्स देने के लिए अदा कर सकते हैं? हाँ, जरूर अदा कर सकते हैं। और ये बहुत बड़े सेमिनार में सैकड़ों उलमा की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था कि इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का पैसा आंख बंद करके दे सकते हैं। जी, एक भाई ने सवाल पूछा कि मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, तो इनको जब तनख्वाह मिलती है तो टैक्स खुद ब खुद सरकार पहले ही काट देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नियत कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं और वो नियत उनको पहले ही करके रखनी होगी कि मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मेरी तनख्वाह में से जो इनकम टैक्स काटा जा रहा है वो वाला पैसा काटा जा रहा है जो मुझे जो मुझे इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। जो नियत पहले करके रखेंगे तो दुरुस्त। जी, एक और भाई ने सवाल पूछा है कि सूद की रकम को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई ऐसा? पहली बात यह है कि सूद की रकम अपनी जात पर इस्तेमाल करना बदतरीन गुना, सख्तरीन गुना, सख्तरीन, इतना सख्त तरीन कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे इंसानों के साथ मेरा ऐलान जंग है जो सूद खाना नहीं छोड़ दे। इसलिए अपनी जात पर इस्तेमाल करने का तो एक ईमान वाला सोच भी नहीं सकता। अब इसके बाद बैंक के अकाउंट में जो इंटरेस्ट का पैसा आ गया है, ऑप्शन दो हैं, या तो वहीं पर छोड़ दें या निकाल दें। तो उलमा ने, मुस्तनद उलमा ने फैसला किया कि पैसा वहां न छोड़ा जाए, वहां से निकाल लिया जाए। अब निकालने के बाद कहां कहां खर्च कर सकते हैं? तो जवाब उसका यह है कि एक मुसलमान के जिम्मे जो जो भी गैर इस्लामी टैक्सेस, वो टैक्सेस जो इस्लाम ने लाजिम नहीं किए, वो मुल्क ने, हुकूमतों ने, इदारों ने लाजिम किए हैं, वो इस्लाम के लाजिम करता टैक्सेस नहीं है, उन जगहों पर यह पैसा दे सकते हैं। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं तो फिर तीसरी जगह, अगर खुद इसको सूद का कर्जा देना पड़ रहा हो, इंटरेस्ट का कर्जा देना पड़ता हो, इसके जिम्मे हो या किसी और को, तो वहां भी दे सकते हैं। और अगर यह नहीं तो आखिरी जगह है फिर गरीबों में ये चीज, ये पैसा तकसीम कर देना चाहिए। जी, एक सवाल आया कि क्या मार्शमेलो हलाल है? ये मार्शमेलो के बारे में हमको पहले तहकीक करनी पड़ेगी कि इसमें एनिमल्स पार्ट्स या एनिमल का जेलेटिन इस्तेमाल तो नहीं होता है, और अगर होता है तो कौन सा वाला इस्तेमाल होता है, उसके बाद ही इसके बारे में बता सकते हैं कि यह हलाल है, पाक है, इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज है। एक सवाल है कि इस्लाम उज़ू के अतिये को नाजायज क्यों कहता है? पहली बात यह है कि इस्लाम उज़ू के अतिये को नाजायज नहीं कहता है। आज़ा के डोनेशन, आज़ा का डोनेशन के मुताबिक इस्लाम ने लंबी डिटेल की है। बस हम फर्ज करते हैं आज एक आदमी अपनी किडनी दूसरे को देना चाहता है, इस्लाम इजाजत देता है। मैं ऐसे भाई को जानता हूं जिसकी दोनों किडनियां फेल हो गई और उसकी वालदा ने अपनी एक किडनी अपने बेटे को दे दी। इस वक्त वालदा भी ठीक है, उनका बेटा भी ठीक है, बल्कि शायद हो सकता है आप भी उस बेटे को जानते हों, शक्ल से तो जानते ही होंगे। तो गरज है कि इस्लाम आज़ा के अतीय को जब मना करता है तो उसकी एक लंबी डिटेल है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए एक इंसान अपना खून दूसरे को देना चाहता है, इस्लाम ने नहीं रोका। इसी तरह से एक इंसान जो है वह अपना गुर्दा दूसरे को देना चाहता है, इस्लाम ने मना नहीं किया। हाँ, इस्लाम ये कहता है कि इसको बिजनेस मत बनाना, लिहाजा न बेच सकते हैं न इसको परचेज कर सकते हैं। इसी वजह से जब सवाल किया जाएगा कि किडनी डोनेशन के लिए इस्लाम की तरफ से इजाजत है या नहीं, तो जवाब है इजाजत है। कंडीशनल है या अनकंडीशनल, उसकी कोई शर्त है या बिना शर्त के है, तो जवाब आएगा कि हाँ, शर्तें तीन हैं। शर्त नंबर एक, जिससे किडनी ली जा रही है उसकी जिंदगी के बारे में उम्मीद हो कि वो एक किडनी पर जिंदगी गुजार पाएगा। शर्त नंबर दो, जिसको ये किडनी लगाई जा रही है, जिसको इंजेक्ट की जा रही है, उम्मीद ये हो कि कम से कम उसको इससे फायदा हो जाएगा। और शर्त नंबर तीन, इस बीच में पैसा बीच में ना हो, यानी पैसे के लिए डोनेट तो किया जाए, परचेज करने और न देने का ट्रेडिंग ना की जाए, बेचा ना जाए। ये तीन शर्तें होंगी तो जायज होगा। अलबत्त इस्लाम ये कहता है कि मरने के बाद अपने आज़ा का डोनेशन करना दुरुस्त नहीं है। मसलन कोई आदमी वसीयत करेगा, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें फलाने को, मेरे मरने के बाद मेरे गुर्दे फलाने को, मेरे मरने के बाद मेरा लिवर फलाने को, इस्लाम इसको मना क्यों करता है? इसलिए मना करता है
कि इसका नतीजा आगे निकलने वाला है बहुत खतरनाक, और खतरनाक नतीजा क्या होगा कि एक आदमी इधर से मर गया, घर वाले रो रहे होंगे, उधर से एक टीम आएगी उसकी आंखें निकाल देगी, दूसरी टीम आएगी उसका ब्रेन निकाल लेगी, चौथी टीम आएगी उसका उसके बॉडी के अंदर से उसकी चर्बी काटेगी ताकि उसका क्रीम बन सके, क्योंकि इंसान की चर्बी का क्रीम भी बनता है और बहुत उम्दा किस्म का क्रीम बनता है। तीसरी टीम आएगी उसकी खाल उतारेगी, क्योंकि वो जो है प्लास्टिक सर्जरी में उसकी काम खाल काम आएगी, अगर वो खासतौर पर अगर वो खाल बहुत खूबसूरत और चमकती हुई खाल होगी। और दूसरी टीम आएगी उसका लीवर निकाल लेंगे। इस अब तक तकरीबन 20 इंसान के आजा जो है वो दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब टीमें आ रही होंगी, इसका चीर फाड़ काट करके इसके एक एक चीज को निकाल रहे होंगे और घर वाले देख रहे होंगे हमारे मुर्दे का क्या हाल हो रहा है, ठीक। और उसके बाद आगे हम कहेंगे कि साहब सुनिए, अब वो इसकी हड्डियां भी हमको जरूरत है तो हड्डियां भी हम निकाल लेंगे। तो क्यों कहेगा कि टांग की हड्डी मुझे दे दो, क्योंकि किसी की टांग की सर्जरी में हड्डी की जरूरत है और किसी की कमर टूट गई है उसके लिए पसलियां लेनी है। तो बाद में इंसान को बचेगा क्या जिसको दफन करेंगे? ये है वो मुश्किल तरीन अंजाम जो आने वाला है अगर ये खुले हम इसकी इजाजत दे दी गई। लिहाजा इस्लाम ने सख्ती के साथ कहा कि जिंदगी में आप अपनी आजा देना चाहें शौक से दे सकते हैं, परचेज मत करना, लेकिन मौत के बाद के लिए फैसले करना। और अगर कोई अभी चाहता है कि नहीं मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता, तो बहुत अच्छा, आप इंसान की खिदमत करें, अपनी जिंदगी में एक आंख दे दें दूसरे को। जैसे हमारे बहुत सारे भाई अपनी किडनियां दूसरों को दे रहे हैं, ठीक ऐसे ही जब किसी को शौक है तो अपनी जिंदगी में देखे देखें, उसके लिए तो तैयार नहीं होते। अब एक दूसरी बात यह है कि इस्लाम की नजर में मौत के बाद की जिंदगी फना नहीं है, मौत के बाद की जिंदगी एक नई जिंदगी है, उस नई जिंदगी में हम अपने तमाम आज़ा को लेकर के जाएंगे, ठीक। हम अपनी बॉडी के मालिक नहीं हैं, हम अपने बॉडी के यूजर हैं, और ये बॉडी हमारे पास हमारे रब की अमानत है, हम इसको इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन इसको हम बिजनेस का माल नहीं बना सकते। इंसान मरने के बाद जिंदा होगा और वहां अल्लाह ताला शानो इसी जिस्म को दोबारा खड़ा करेगा। अल्लाह को कुदरत है, अल्लाह को ताकत है कि अगर इंसान ने अपने जिस्म के सारे आज़ा दूसरों को दे दिए होंगे फिर भी अल्लाह ताला इसी जिस्म को खड़ा कर सकते हैं, और अगर किसी को नहीं दिए होंगे फिर भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम तो दीन इस्लाम के हुक्म के ताबे जिंदगी गुजार। एक सवाल आया है कि क्या अगर किसी ने वसीयत की हो कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई उजू किसी को दिया जाए तो क्या इस वसीयत पे अमल किया जाएगा? हरगिज नहीं, ये वसीयत ही करना चूंकि गलत है और गैर शरई वसीयत है, तो जो गैर शरई वसीयत है उस पर अमल करना भी जायज नहीं है। और अगर उसने वसीयत की तो उसने गुनाह किया, और जो लोग उस वसीयत पर अमल करेंगे वो भी गुनाह करेंगे। जी एक सवाल आया है कि क्या रिज़िक मुकद्दर में होने का मतलब ये है कि अगर इंसान हराम ज़राए को छोड़ दे, मसलन रिश्वत वगैरह को छोड़ दे, तब भी वो उतना ही कमाएगा? लाजिमन अल्लाह ने हर इंसान के मुकद्दर में रोजी लिखी है। अब उसके बाद फिर जो रोजी अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है उस रोजी के पाने के लिए इंसान दौड़ धूप करता है, क्योंकि निज़ाम अल्लाह ने यह बनाया कि जो मैंने तुम्हें मुकद्दर में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। और इस बात को पहले समझना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ उस तक दूध पहुंचाने का निज़ाम अल्लाह ने बनाया, माँ की छाती में दूध पैदा किया, ये तो अल्लाह ने अपने निज़ाम से बनाया। अलबत्त दूध पिलाना माँ की जिम्मेदारी रखा, आधा काम तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, आधा काम औरत के सर पर डाल दिया। अल्लाह ताला जमीन से अनाज पैदा करते हैं, ताकत अल्लाह का है, कुदरत अल्लाह को है, लेकिन बीज तो इंसान को डालना होगा, मौसम का इंतखाब करना होगा, जमीन का इंतखाब करना होगा, फिर मुनासिब रखवाली करनी होगी, उसके बाद फिर इसके माना ये नहीं कि अल्लाह कर नहीं सकते, अल्लाह कर सकते हैं, पर अल्लाह ने निज़ाम भी बनाया, तुम्हारी भी कुछ ना कुछ मेहनत लगनी चाहिए। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह ने हर इंसान के लिए रोजी तय कर दी है, तुम्हें इतनी रोजी मिलेगी, तुम्हें इतनी रोजी मिलेगी। अब इंसान निकलता है चाहे जायज जरिए से कमाए या ना जायज जरिए से कमाए। जायज एक इंसान सुबह निकला उसने ड्यूटी दी, शाम को हलाल तनख्वाह लेकर के आ गया। एक आदमी सुबह निकला उसने बिजनेस किया, शाम को हलाल पैसा लेकर आ गया। दूसरा आदमी गया उसने ड्यूटी दी मगर वहां रिश्वत का पैसा लेकर के आ गया। अल्लाह को जिसको जितना देना है उतना देंगे, अभी इंसान खुद फैसला करे हलाल जरिए से लेना है कि हराम जरिए से लेना है। हराम जरिए से लेगा तो सजा का मुस्तहिक होगा, हलाल जरिए से लेगा तो इनाम का मुस्तहिक होगा। सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत निकाह क्यों की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए, कसरत से निकाह किए, यकीनन कसरत से निकाह किए, मगर ये हरगिज कोई काबिल एतराज चीज नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर निकाह के पीछे जो तफसीलात हैं
वो तफसीलात जब इंसान पढ़ता है तो उसके बाद इंसान को पूरा इत्मीनान हो जाता है, पूरा इत्मीनान हो जाता है कि इसमें कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बिना पर जहन में कोई इंतशार रहेगा। निकाह का पहला मकसद होता है इंसान जवानी में निकाह करता है, और जवानी में निकाह करने की ज़रूरतें क्या क्या और क्यों होती हैं वो सबको मालूम है। ये जवानी का निकाह जो अल्लाह के नबी ने किया वो इस तरह से किया कि आपकी उम्र 25 साल की थी, और जिन खातूनी मोहतरम के साथ ही निकाह हुआ था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला उनकी उम्र 40 साल की थी, और जवानी का सारा ज़माना उन्होंने इन्हीं खातून के साथ गुजारा, यहाँ तक कि सारी औलाद उन्हीं से हुई। अब जब अल्लाह के नबी अकरम की 25 साल की उम्र में निकाह किया, इसी खातून के साथ आपने सारा वक्त गुजारा, 30 साल की उम्र हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, खातून वही घर में है और कोई नहीं है, 40 साल की उम्र में आप नबी बन गए, खातून वही हैं, 45 साल की 49 साल की उम्र हुजूर की हो गई और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उस वक्त वफात हो गई, अब आपका घर में आप कोई नहीं था, सिर्फ जवान बेटियाँ थी। उस वक्त आपसे कहा गया कि आप निकाह कर लें, निकाह कर जब इसरार किया गया उसके बाद आपने दूसरा निकाह किया वो भी दूसरी खातून के साथ, और वो भी बेवा खातून थी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक, क्योंकि उस वक्त हुजूर के घर में कोई था ही नहीं, जवान बेटियाँ थी हज़रत फातिमा, उनकी बड़ी बहन थी हज़रत उम्मे कुलसूम, और एक खातून थी घर में उम्मे आयमन के नाम से, ठीक, वो हुजूर की खादिमा थी पहले से थी, तो मुहसिन भी थी वो, खादिमा भी थी, बस ये हैं घर में कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, और आपकी पहली वाली दो बेटियां जो हैं वो अपने शौहरों के साथ थी, पहली वाली साहबजादी हज़रत ज़ैनब अपने शौहर अबुल आस के साथ थी, दूसरी वाली साहबजादी हज़रत रुकैया अपने शौहर हज़रत उस्मान के साथ हबशा में थी, तो आप गया हुजूर के घर में कोई नहीं है, इस बिना पर अल्लाह के नबी ने दूसरा निकाह किया हज़रत सौदा के साथ। फिर अल्लाह का मंशा ये था कि वो नबी के घर में एक ऐसी खातून पहुँचनी चाहिए जो नबी की सारी प्राइवेट ज़िंदगी को याद रख सके, ताकि बाद में इंसानों को वो तफसीलात बता सकें, ख़ासतौर पर ख़वातीन को। इस गरज के लिए अल्लाह की तरफ से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का इंतखाब हुआ, और आयशा के साथ निकाह करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आया। उसके बाद फिर हुजूर मदीना तैयबा पहुंचे, मदीना तैयबा पहुंचने के बाद मुख्तलिफ हालात पेश आते गए और निकाह होते गए। मसलन एक खतरनाक कबीला था, कबीला बनू मुस्तलिक, उस खतरनाक कबीले का प्लान यह था कि हम मदीने पर हमला करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो मालूम हुआ कि वह हमला करने वाले हैं, तो आपने ये सोचा कि हमला होगा तो यहाँ न जाने कितने लोग हमारे शहीद होंगे, उनके भी न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, बजाय इसके कि वो हमला करके आए हम यहीं से जाएंगे, हम ही हमला करेंगे, और हमला करने में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कत्लो गारतगरी न हो, उनके अफराद भी बच जाएं, अलबत्ता वो जो आगे उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे हैं वो इरादे छोड़ दें। चलाचे अल्लाह के नबी अकरम ने आदमी भेजा पहले, वो खबर लेकर के आया, उस खबर पहुँचने में भी उसको खबर पहुँचने में भी उस एक कमी यह रह गई कि वो ये समझे कि वहाँ का कबीला जो है वो हमला करके आने वाला है, हालांकि वो कबीले के लोग जो हैं वो सहाबी का इस्तेमाल करने के लिए आए थे। बहरहाल जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ये इत्तला पहुँची कबीला बनू मुस्तलिक के लोग जमा हैं और वहाँ पर हमला करना चाहते हैं, तो हुजूर यहीं से हमला करके गए और वहाँ जा करके उनके बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तार होने वालों में उस कबीले के सरदार की बेटी भी आ गई और वो मदीने पहुँच गई। अब कुछ दिनों के बाद जो कबीले के सरदार पहुंचा और उन्हें मुतालबा किया कि हमारे जितने आदमी आपके यहाँ गिरफ्तार हैं मर्द हों या औरतों को छोड़ दें, ठीक, और आपने जब उनको छोड़ा तो उसी बीच में क्या हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह उसी सरदार की साहिबजादी हज़रत जुवैरिया के साथ हुआ, और हज़रत आयशा कहा करती थी कि जुवैरिया की खूबियों और उसके जिस्मानी साख्त और उसके हुस्न की वजह से मुझे रश्क आने लगा, तो गरज ये कि हज़रत जुवैरिया के साथ निकाह हो गया हुजूर का, क्यों हुआ हुजूर ने कहा, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर मेरा इस खानदान के इस सरदार की बेटी के साथ निकाह हो गया उसके नतीजे में पूरा खानदान अपनी दुश्मनियों को छोड़ देगा, जो आज वही हुआ, गया उस पूरे खानदान की दुश्मनी खत्म करने के लिए हुजूर ने निकाह किया, निकाह हुआ। अब वो कबीले के सरदार जब वो वापस गया तो पूरे कबीले वालों से कहा कि आज तक तो मोहम्मद के साथ हमारा मामला जो था सो था, अब आज के बाद मोहम्मद हमारा दामाद है, इसलिए तमाम लोगों की दिलों से उसकी नफरत खत्म हो जानी चाहिए, और वही जरिया बना पूरे कबीले के मुसलमान होने का। तो हर निकाह के पीछे कोई ना कोई वजह और अहम तरीन सबब रहा है, वरना कसर से निकाह का ताल्लुक उस मकसद से नहीं है जो मकसद आमतौर पर लोगों को बताया जाता है। इसके लिए जब हर निकाह के मुतालिक तफसीलात पढ़ी जाए, बैकग्राउंड मालूम किया जाए, तो कोई इश्काल नहीं। एक, और उसके बाद फिर अगर अल्लाह ने अपने नबी के लिए इजाजत दी हो कि आप चार से ज्यादा निकाह करें, और एक ईमान वाले को इजाजत दी हो
अगर तुम्हें जरूरत हो तुम चार तक निकाह कर सकते हो, तो ऐतराज करने वालों को ऐतराज करने का हक क्या है? जिस अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, जिस अल्लाह ने इंसानों को बनाया, वही अल्लाह अपने नबी के लिए एक कानून बना रहे हैं, वही अल्लाह आम ईमान वाले के लिए दूसरा कानून बना रहे हैं, वो हक है। दरअसल जब हम अल्लाह के अल्लाह होने को मान लें और उसके मालिक और खालिक होने को मान लें, उसकी तरफ से जिसके लिए जो कानून है अनुपत करके मानेंगे। एक मालदार मुसलमान को जब वो जिस्मानी तौर पर भी और माली एतबार से भी हुकूक अदा कर सकता हो, अल्लाह कह रहे तुम एक से ज्यादा निकाह कर सकते हो, इजाजत दी अल्लाह ने, ठीक। और एक औरत को इजाजत नहीं दी बैक वक्त वो दो दो शौहर रखे, बस एक खातून कहनी चाहिए मेरे अल्लाह ने मेरे लिए हुक्म ये बनाया, मैं उसमें कार बंद हूं, और एक मर्द को कहना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे लिए जो कानून बनाया मैं उसमें कानून। और हम सारे मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए अगर इजाजत दी है तो हम आंख बंद करके सारे तस्लीम खम करके कहते हैं बहुत अच्छा अल्लाह ने अपने। लेकिन जहन में ये भी रखना चाहिए कि जिन मकासिद के लिए अमूमन निकाह किए जाते हैं वो तमाम मकासिद अगर जिनसी दायरे के हों तो सारा जवानी का ज़माना होता है, और 50 साल से कम उम्र में हुजूर ने सिर्फ एक खातून के साथ जिंदगी गुजारी, 50 साल के बाद जब बुढ़ापा का ज़माना चल रहा था उस ज़माने में ये कसरत से निकाह हुए। स्टॉक मार्केटिंग जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता ये कि ये देखना होगा कि हाँ शेयर जो है वो किसी शराब की कंपनी के नहीं ले सकते, बैंक के नहीं ले सकते, इंश्योरेंस कंपनी के नहीं ले सकते, और अगर कोई जायज प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो उसके शेयर ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जी ये सवाल आया है कि जीपी फंड के लिए नॉमिनी शरण किसको रखा जाए, जबकि माँ बाप बीवी बहन सारे रिश्तेदार हों तो नॉमिनी किसको रखा जाए? इसमें तो मर्द को इख्तियार है, वो किसका नाम तय करता है। दरअसल हर घर की हालतें अलग हैं, किसी घर में आदमी ये समझता है कि मुझे अपनी माँ को रखना चाहिए, किसी घर में समझता है कि मुझे अपनी बीवी को रखनी चाहिए, कोई समझ सकता है कि मुझे अपने बेटे को रखना चाहिए। लेकिन नॉमिनी के माना ये नहीं कि वो मालिक बन गया, नॉमिनी होने के माना ये हैं कि आपको ये जीपी फंड लेने का इख्तियार है, बाद में तकसीम हो गए शरीयत के उसूल के मुताबिक, लिहाजा नाम किसी का भी रखा जाए उसको उतना मिलेगा जितना इस्लाम उसको देगा और बाकी तमाम दूसरे वारिसों को मिलेगा। बस फर्ज करते एक शख्स ने अपनी जेपी फंड के लिए नॉमिनी अपनी बीवी को रखा और उसके औलादें भी हैं, तो बहरहाल बीवी का नाम रहे तब भी उसको 1/8 लेना है और उसका नाम न भी रहे तब भी उसको 1/8 ही लेना है, क्योंकि उसका हिस्सा शरीयत ने जितना रखा है उसको उतना ही लेने का हक है, चाहे जेपी फंड और पेंशन लेने का इख्तियार उसको दिया जाए या दूसरे। जी एक सवाल है कि मुसलमान भी जात और नसब की बिना पर इंसानों में फर्क समझते हैं। जो लोग जात और नसब की बिना पर फर्क समझते हैं वो गलत समझते हैं। कुरान करीम ने तो कहा है कि जातें और खानदान और कबीले सिर्फ तारुफ के लिए हैं, सिर्फ पहचान के लिए हैं, क्योंकि उसके बगैर तुम पहचान नहीं पाओगे। पहचान के माना क्या होते हैं कि जब हम किसी आदमी से मिलना चाहते हैं तो हम ये मालूम करते हैं इसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, वो कौन से खानदान का है, कुछ इलाके में रहने वाला, ये तमाम बातें मालूम करें वो उस आदमी तक पहुंच पाएंगे। बस फर्ज कीजिए आप एक आदमी से मिलना चाहते हैं, आप एक आदमी से मिलना चाहते हैं तो आप क्या मालूम करेंगे पहले उसका नाम क्या है? बताया गया उसका नाम है गुलाम रसूल, आप कहेंगे गुलाम रसूल तो बहुत सारे हैं तो कौन से खानदान का है ये? तो जवाब आएगा मसल फर्ज कीजिए वो खानों में से है, तो गुलाम रसूल खान साहब, कहेंगे साहब गुलाम रसूल खान साहब, मगर गुलाम रसूल खान साहब उस खानों की बराबरी में कई सारे गुलाम रसूल हैं, तो आप कहेंगे हम गुलाम रसूल वदी गुलाम मोहम्मद, तो बाप का नाम लिया गया। इसके बाद अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कहेंगे साहब कहाँ रहते हैं, तो आप वो गली का नाम बताया जाएगा, तो इस तरह से आदमी ट्रेस होता है, वरना सारे इंसान एक ही जैसे होते हैं। तो खानदान की तकसीम सिर्फ तारुफ के लिए है, बाकी बरतर और कमतर होने का ताल्लुक इंसान के तकवा कैरेक्टर नेकी और बुराई से है। अगर कोई आदमी उस खानदान में पैदा हुआ जिसको लोग समझते हैं बहुत मामूली दर्जे का खानदान, और दूसरा इंसान उस खानदान में पैदा हुआ जिसको लोग समझते हैं ये आला दर्जे का खानदान है, ये आला दर्जे के खानदान में पैदा होने वाला शराबी है, आवारा है, फिर उसको फजूल में डूबा हुआ है, जुल्म करता है, किरदार उसका गलत है, और उसके मुकाबले वो जो छोटे खानदान का है उसका किरदार बहुत अच्छा है, तो अल्लाह की नज़र में वो बहुत ऊंचा है बमुकाबले इस इंसान के। इसलिए खानदानी असलियत की इस्लाम में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिन बुतों को तोड़ा था उन बुतों में से खानदानी असलियत का बुत भी था, आपने साफ फरमाया ला फज़ल लिअरबीन अला अजम वला लिअजमीन अला अरब वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर, न अजमी को अरब पर न अरब को अजमी पर न सुर्ख को काले पर कोई फजीलत है, फजीलत तो अल्लाह के यहाँ अगर है तो तक्वा की बुनियाद पर है।
इसलिए सारे इंसान बराबर है। इसका अंदाजा हमारे हमारी दुनिया में होता है, हमारे मदरसों की दुनिया में या तबलीगी दुनिया में। वहां किसी को यह भी पता नहीं होता कौन किस खानदान का है, ना कभी ख्याल आता है। वहां तो हम किसी इंसान को देखते हैं उसके इल्म की बुनियाद पर, उसके तकवा की बुनियाद पर, उसके रहन सहन की बुनियाद पर, उसके रवैयों की बुनियाद पर। वहां ख्याल ही नहीं आता कि कौन किस खानदान का है। वहां ऊंचे दर्जे के खानदान का आदमी, उसको भी उतनी इज्जत मिलती है जहां बहुत निचले दर्जे के खानदान को होगा। बहुत निचले दर्जे के खानदान का कोई लड़का अगर बहुत काबिल होगा, ठीक, हमारी नजर में बहुत प्यारा होता है वो, बमुकाबले अगर कोई दूसरे आला दर्जे के खानदान का लड़का होगा वो नाकाबिल होगा तो उसका कोई बात नहीं होगा। ताहम इसके बाद भी ये बात भी तय है कि इस दुनिया में सबसे मुकद्दस तरीन खानदान चूंकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उस खानदान की नस्ल का एहतराम हम बहरहाल करेंगे, इसलिए करेंगे कि वो खानदान रसूल है। हाँ, अगर उनके अंदर कोई कमियां होंगी तो हमें दुख तो जरूर होगा कि सैयदजादे के अंदर ये कमियां नहीं होनी चाहिए, मगर उन कमियों की बिना पर हम उसकी तौहीन भी नहीं करेंगे। उनकी कमियों का, खामियों का दुख तो करेंगे, समझाने की कोशिश भी करेंगे, बल्कि हो सकता है किसी और की कमी खामी का इतना दुख ना हो जितना इसका, क्योंकि तो खानदान रसूल है, मगर उसका एहतराम हम बरकरार रखेंगे। तो इस्लाम ने इंसानों की तकसीम खानदानों की बुनियाद पर नहीं की है, बल्कि इंसानों की तकसीम की है तकवा और किरदार की बुनियाद पर। पूछना चाह रहे हैं कि फिर कुफू की वजाहत भी हो। हाँ, कुफू का ताल्लुक दरअसल निकाह को कामयाब बनाने से है, इसका ताल्लुक बड़े और छोटे पन से नहीं है। इंसान चाहता यह है कि मेरा रिश्ता कामयाब हो, चाहना भी चाहिए। इस कामयाब होने के लिए मुसावात, दर्जाबंदी, जिस सतह का, जिस दर्जे का, जिस स्टेटस का लड़का हो लड़की हो, उसी स्टेटस, उसी दर्जे, उसी मेयार का, उसी स्टैंडर्ड का लड़का, तो ताकि रिश्ता कामयाब हो जाए। मसलन फर्ज करते हैं एक लड़की जो है वो उस खानदान की है जो शहर में रहते हैं, हाई फाई खानदान के लोग हैं, बहुत पुरतकल्लुफ ऐश वाली जिंदगी गुजारने वाले हैं, ठीक, और मुसलमान है। इसके मुकाबले में एक गांव का एक मुसलमान है जो दूर दराज के पहाड़ी खित्ते में रहता है, सीधा साधा इंसान है, अनपढ़ है, वो भी मुसलमान है। जाहिर है इन दोनों का अगर आपने में रिश्ता किया जाएगा तो रिश्ता कामयाब हो ही नहीं सकता, ना उनका खाना पीना आपस में मिल रहा है, ना रहन सहन, ना लिबास, ना उठना बैठना, ये तो चंद दिन में आपस में टकराव हो जाएगा। इसलिए कि लड़के की चाहतें कुछ और हैं, लड़की की ख्वाहिशें कुछ और हैं। तो गोया क्या किया हमने, हमने बराबरी को मरहूज नहीं रखा। तो इंसान तो चाहता है हर जगह बराबरी रहे, बस इसी तरह से रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए भी बराबरी, किस चीज में, माली एतबार से भी बराबरी हो, दीनी एतबार से भी बराबरी हो, खानदानी एतबार से भी बराबरी, ताकि रिश्ते कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी अच्छे खानदान की बेटी किसी कमतर खानदान, जिसको लोग समझते हैं कमतर, इस्लाम में तो कमतर नहीं है, किसी कमतर खानदान के लड़के के साथ मसलन ये मैच कर रही है, किस चीज में, डिग्री में भी, रहन सहन में भी, आदतों में भी, क्योंकि दोनों ने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। एक बहुत निचले दर्जे के खानदान का गरीब खानदान का लड़का है और एक बहुत मालदार घर की लड़की है, लेकिन वहां उनका मिजाज आपस में मिल गया और वो अब उनका रहन सहन सिस्टम एक ही जैसा है और ये आपस में निकाह करेंगे, इस्लाम से निकाह हो जाएगा। बशर्ते कि इस निकाह के लिए शर्त यह है कि वालदे रजामंद हो। आज खुद लड़के और लड़के अपना निकाह नहीं करेंगे। जी, एक सवाल है कि इस्लाम में खेलों की क्या हैसियत है और किस किस्म के खेलों की इस्लाम में गुंजाइश? बहुत अच्छा, इस्लाम खेलों की मुकम्मल नफी भी नहीं करता, लेकिन इस्लाम खेलों की मुकम्मल छूट भी नहीं देता, ऐसी छूट कि जिसमें वो खेल भी हों कि जिसमें इंसान की जानों का नुकसान हो, वो खेल हों कि जिसमें इंसान इंसानों जानवरों में कोई फर्क ही न रहे। मसलन दुनिया में बॉक्सिंग के खेल होते जिसमें इंसान जख्मी होते हैं और आखिर उम्र में वो जो बॉक्सिंग से रिटायर होकर आने वाले आखिर उम्र में से वो बीमारियों का शिकार बन जाते हैं वो मुक्के खा करके, ठीक। इसी तरह से एक खेल होता है कि साहब तमाचे मारने का खेल है, तो इस तरह के खेल तो इस्लाम में नहीं। इस्लाम खेलों की हदबंदियां करता है और वो हदबंदी करने से पहले तय करता है खेल किस मकसद के लिए। वो खेल जिन खेलों से इंसान के जिस्म को कोई फायदा हो, इस्लाम उसकी हौसला अफजाई करता है। चाचा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में घोड़दौड़ कराते थे, उसका तस्करा हदीसों में मौजूद है, बल्कि बुखारी में घोड़दौड़ का तस्करा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फला जगह से फला जगह तक घोड़ों की रेस कराई और वो एक किस्म के घोड़े वो थे, दूसरे किस्म के घोड़े ये थे। वो अच्छे किस्म के घोड़ों की रेस किसी और लंबे फासले के लिए थी और उसे दूसरे दर्जे के घोड़ों की रेस किसी और आज है,
तो अल्लाह के नबी सब तीरंदाजी कराई, घोड़ांदाजी कराई, नेजाबाजी कराई। खुद मस्जिद नबी के अंदर ईद के दिन हजरत सहाबा किराम ने नेजाबाजी का खेल दिखा देर, और अल्लाह के नबी सब देखते रहे, वो खेल मुनाजा करते रहे। तो इस्लाम ऐसे खेलों की हौसला अफजाई करता है जिन खेलों से जिस्म को फायदा हो, सेहतें अच्छी हो जाए और बीमारियों से इंसान बच सके। वो खेल के जिनमें सिर्फ दौलतें खर्च की, या खेल को खेल नहीं उसको बिजनेस बना दिया जाए, खेल को खेल नहीं बल्कि उसको लॉटरी का जरिया बना दिया जाए, खेल खेल ही नहीं बल्कि उसकी वजह से फहाशी फैलने लगे, तो इस्लाम ऐसे खेलों की पसंद नहीं करता। एक सवाल आया है कि अरब ममालिक में राइज इस्लामिक हेल्थ इंश्योरेंस का क्या हुक्म? इस्लामिक हेल्थ इंश्योरेंस का ताल्लुक अरब ममालिक ही से नहीं, सारी दुनिया से है। इसमें बड़ी लंबी तहकीकात के बाद आखिर में ये फैसला हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस एक तरफ से इंश्योरेंस है, दूसरी तरफ से वो एक तरफ से हेल्प है। तो हेल्प होने की बिना पर ये हेल्थ इंश्योरेंस कराने की इजाज़त है, खासतौर पर जहाँ कंपल्सरी है वहाँ करा सकते हैं, वहाँ करने में कोई गुनाह नहीं है। बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे बहुत सारे सही इदारे सही जज्बे से जब स्टार्ट होते हैं उसके बाद खुदगर्ज लोग उसमें दाखिल होकर के उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। चुनाचे मेडिकल इंश्योरेंस का भी यही मामला, हेल्थ इंश्योरेंस का भी यही मामला हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस का के रूप से लेना शुरू किया। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल पैकेजें देते हैं और लोगों से पैसा खींचते हैं हेल्थ के नाम पर। तो बहरहाल अगर कोई आदमी ये हेल्थ इंश्योरेंस कराता है और खुदा न खास्ता उसके बाद फिर ऐसी बीमारी का शिकार होता है जिस बीमारी में उसको हेल्थ इंश्योरेंस के बेस पर एक रकम लेनी, तो वो ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साहब पूछ रहे हैं कि जीपी फंड के मुताबिक ज़कात का क्या हुक्म है? जवाब यह है कि जीपी फंड की जो रकम गवर्नमेंट के पास है जब तक वो हमारे कब्जे में नहीं आएगी तब तक उस जीपी फंड पर ज़कात देना लाजिम नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे बीवी का मेहर शोहर की जिम्मे बाकी है और जब तक वो शोहर बीवी को मेहर नहीं देगा तब तक उसके जिम्मे ज़कात लाजिम नहीं होती। जी वो जीपी फंड दौरान मुलाजमत भी निकाल सकता है? हाँ, जीपी फंड अगर दौरान मुलाजमत निकाला गया फिर वापस दिया गया तो उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं है। अगरचे कुछ उलमा की राय यह है कि जो रकम निकाली गई फिर वो वापस भरी गई उस पर ज़कात देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ उलमा की राय है कि नहीं उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं है, वो तो अमानत के तौर पर दी गई। जी और एनपीएस के मुताबिक क्या हुक्म है? उसमें 10 साल के बाद 25% वसूल कर सकता है मुलाजिम। इस एनपीएस के बारे में असल ये नई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो हम इसके बारे में अभी मालूमात कर रहे हैं, तो इसकी शराइत और उसके कंडीशन क्या क्या है उसके बाद फिर बता सकते हैं कि इसके लिए तो है ना नई पॉलिसी। जी ये एक तालिबे इल्म पूछ रहे हैं कि मुसलमान हिंदू त्योहारों पर उन्हें मुबारकबाद क्यों नहीं देते? पहली बात यह है कि हिंदुओं के त्यौहार जो हैं कुछ तो हैं मुशरिकाना त्यौहार जिसमें उसके बुनियादी शिर्क पर है, और इस्लाम चूँकि शिर्क का सख्त तरीन मुखालिफ है बल्कि इस्लाम का पहला टकराव जो दूसरे मजहबों से है वो शिर्क की बुनियाद पर है। जिन मजहबों में शिर्क है, शिर्क के माना क्या है? मखलूक को खुदा मानना। शिर्क के माना है अपने से कमतर चीज को अपने अपना मालिक मान लेना। तो इस्लाम इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम किसी मखलूक को खुदा का दर्जा दे दें और मखलूक के हाथ में इख्तियार दे दें। इस्लाम तो ये कहता है ये सारी कायनात मखलूक है और अल्लाह के सामने बेबस है और सारी कायनात इंसान के लिए पैदा की गई है, उसमें किसी की कोई तख्सीस नहीं है। तो अब जाहिर है जिन त्यौहारों का ताल्लुक शिर्कियात से हो इस्लाम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि साहब लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, और ये आज से नहीं हमारे आज से इस्लामी नहीं, हर नबी का टकराव शिर्क के साथ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टकराव अपनी कौम के साथ किस पर था? शिर्क की बुनियाद पर। हर नबी जो दुनिया में आया उसका पहला मुकाबला उन लोगों के साथ हुआ जो चीजों में से किसी को खुदा मानते थे। हर नबी का मामला ऐसा ही है, उसके बाद खराबी अलग अलग है। इंसान की बदकिस्मती यह है कि यह मानने पर आता है तो कीड़े मकोड़े को भी खुदा मानने लगता है, और जब इनकार करने पर आता है तो अल्लाह का भी इनकार करता है। ठीक, तो इस्लाम तो शिर्क को बर्दाश्त करे। जिन त्योहारों की बुनियाद शिर्क पर है उन त्योहारों में हम शिर्क की बुनियाद पर तो मुबारकबाद नहीं दे सकते, लेकिन अब बहुत सारे गैर मुस्लिमों के यहाँ त्यौहार की बुनियाद तो है ही नहीं, अब सिर्फ खुशी का चीज़ बन गई है, तो एक खुशी की चीज़ बन गई है। अब अगर वो सिर्फ एक फंक्शन है, इस फंक्शन की बेस पर अगर उनको मुबारकबाद दी जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि जैसे जैसे एक ऐसा त्यौहार कि जिसके पीछे शिर्क का कोई तस्वुर नहीं है, मसलन दिवाली है, सब दिवाली में हुआ क्या है, उनका तस्वुर यह है कि उनके कोई बड़े मजहबी रहनुमा साल हर साल तक जंगलों में रहे
और साल साल के जंगलों में रहने के बाद फिर वो जब वापस आए तो उनके आने पर लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई और चराग रोशन किए और शमें जलाई और उसी खुशी में, अगर इतना ही है, अगर इतना ही है तो फिर तो इसमें शिरक ही नहीं आया। इस पर मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अब जो पूजा पाठ भी शुरू होगी और उनको खुदा का दर्जा दिया जाएगा और उसके बाद फिर अब वो उसकी, अब वो शेप जो उसकी मजहब की फंक्शन की बन गई, त्यौहार की शेप बन गई, अब वो खत्म होकर के अब वो बाकायदा एक पूजा पाठ का मामला बन गया, तो सब मुबारकबाद नहीं दे सकता। अब अगर कोई इंसान देने पर मजबूर हो जाए इस तरह की मुबारकबाद, तो फिर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे उनको खुशी हो, उनको खुशी हो, लेकिन हम कोई दीनी लफ्ज इस्तेमाल ना करें। इसकी मैं मिसाल बताता हूँ कि जब इस्लाम, जब मुसलमान से ये पूछा जाता है कि क्या गैर मुस्लिम को सलाम करने की इजाज़त है, तो इस्लाम कहता है अस्सलाम वालेकुम तो आप नहीं कर सकते, हाँ गुड मॉर्निंग कर सकते हैं, गुड इवनिंग कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, ठीक आदाब सर कर सकते हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं कर सकते। इसी तरह से वो पढ़ते जी, एक तालिब इल्म पूछ रहे हैं कि एक ऐसे इदारे में पढ़ते हैं जहाँ गैर मुस्लिम त्यौहार मनाए जाते हैं और वहाँ बच्चों पर लाजिम किया गया है कि वो कुछ रकम उस उन त्यौहारों के लिए अदा करें। हाँ, तो ये जो त्यौहार हैं, त्यौहारों में कुछ तो मुशरिकाना काम होते हैं और कुछ सिर्फ खाने पीने के काम होते हैं। मुशरिकाना काम मतलब आपने पैसा दिया, उसे उन्हें मिठाई खरीदी और वो मिठाई जो है वो मूर्ति पर चढ़ाई, वो प्रसाद बन गया और उसको तबर्रु बनकर अब तकसीम करेंगे, तो हमारा पैसा तो इस काम में नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा होगा कि त्यौहार मनाया जा रहा है, पैसा जमा किया गया, दुकान से मिठाई लाई और आपस में मिलकर बैठ के खाई, तो अगर कोई लड़का इस तरह हो, इस ऐसी जगह पर हो जहाँ ये पैसा देना उसे लाजिम कर दिया गया हो और दिए बगैर कोई चारे का ना हो, उस वक्त उसको ये कहना चाहिए कि साहब मेरा ये पैसा आप मिठाई लाने में खर्च करेंगे और वो मिठाई अपने जैसे दोस्तों को खिलाएंगे, यानी जायज़ जगह पर पैसा खर्च करने की मतलब उनसे उनसे वादा ले लें कि मेरा पैसा जो है जायज जगह पर खर्च होना चाहिए, इस नियत से दे सकते हैं। जज़ाकुम अल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्रिया।